मैं निवेदन करूंगा सर्वप्रथम आदरणीय श्री भजन प्रकाश आर्य जी, आदरणीय श्री भजन प्रकाश आर्य जी, भजन प्रकाश आर्य जी आ जाएं ऊपर। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री दया सागर आर्य जी। देखिए बुजुर्गों का सम्मान करें हमारे युवा। दया सागर आर्य जो कि प्रधान है किसी भी प्रांतीय सभा के सबसे युवा प्रधान, मात्र 38 वर्ष की उम्र में आप छत्तीसगढ़ सभा के प्रधान निर्वाचित हुए और आज इस सभा के दायित्व को आप निभा रहे हैं। मैं सर्वप्रथम निवेदन करूंगा आदरणीय श्री राजीव आर्य जी से कि वे दया सागर जी का स्वागत करें और इसके पश्चात अनुरोध करूंगा सभा प्रधान ब्रह्मचारी राज सिंह आर्य जी और श्री धर्मपाल आर्य जी भी आए और आदरणीय भजन प्रकाश आर्य जी का जीवन, संपूर्ण जीवन वेद प्रचार मंडल, आर्य केंद्रीय सभा, दिल्ली आर्य पत्नी सभा, आर्य वीर दल, आर्य नगर सोसाइटी, आर्य समाज सरस्वती विहार, आर्य समाज प्रताप नगर और ना जाने कितनी संस्थाओं का समर्पित जीवन रहा और आज आप दिल्ली आर्य सभा के उप प्रधान हैं। मैं इस अवसर पर चाहूंगा कि आदरणीय ब्रह्मचारी राज सिंह आर्य जी और श्री धर्मपाल आर्य जी उनको सम्मान शॉल ओढ़ा करके जोरदार तालियां ऐसे मानुभाव के लिए हम बजाएं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन वेद प्रचार मंडल उत्तरी दिल्ली और उसके पश्चात वेद प्रचार मंडल उत्तरी पश्चिमी दिल्ली को समर्पित किया और आपका अनुकरण करके आपका पूरा परिवार आर्य समाज की सेवा में पूर्ण परिवार पूर्ण निष्ठा से जुड़ा हुआ है और सम्मान करना अलग काम था और इन्होंने एक मेरे ऊपर जिम्मेदारी दे दी और वो जिम्मेदारी ये थी, एक बार सम्मान पत्र भेंट किया जा रहा है, जोरदार तालियों द्वारा आप उनका सम्मान करें। वो जिम्मेदारी ये थी कि आप अपनी ओर से 2 लाख रुपए की स्थायी निधि दिल्ली सभा में करा रहे हैं वैदिक विनय के प्रकाशनार्थ। वैदिक विनय वेद को पढ़ने के स्वाध्याय करने का सबसे सरल तरीका है, हम सब लोग जानते हैं। वो पुस्तक आपके परिवार की ओर से हमेशा प्रकाशित होती रहेगी उस धनराशि से। तो आज के शुभ अवसर पर आज उन्होंने ये संकल्प भी लिया, एक बार जोरदार ताली द्वारा उनका ये संकल्प भी परमात्मा पूर्ण करें। वैदिक विनय का प्रकाशन आपके दी गई राशि के स्थायी निधि से हुआ करेगा। मैं उनका इस अवसर पर आदरणीय भजन प्रकाश आर्य जी का और उनके सुपुत्र यहाँ सभी उपस्थित हैं